साइंस फिक्शन किसे पसंद नहीं है। हम सभी एक दिन अंतरिक्ष यान में बैठकर ब्रह्मांड का सफर करना चाहते हैं, लेकिन क्या यह फिलहाल संभव है? नहीं, और आज की हमारी भौतिकी के अनुसार यह असंभव भी है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रह्मांड में हमारी क्या सीमाएं हैं और हम ब्रह्मांड में कहां तक जा सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। लेकिन साइंस फिक्शन के अनुसार दूर के सितारों तक सफर करना आने वाले भविष्य में संभव जरूर होगा, लेकिन हमारे मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार आप ज्यादा से ज्यादा ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दशकों बाद हमारे द्वारा बनाई गई एक स्पेस प्रोब प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम तक पहुंच पाएगा, जो कि हमारे सूरज की सबसे करीबी स्टार सिस्टम है, जो शायद वहां जाने के बाद हमें उसकी तस्वीरें खींचकर भेज सके। लेकिन अगर आप खुद अपने शरीर के साथ वहां तक जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले अमर होना होगा। और ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारे सूरज और इसके सबसे करीबी पड़ोसी स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बीच की दूरी है 4.22 प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश की गति से जाने पर भी हमें वहां तक पहुंचने में 4 सालों से भी अधिक समय लग जाएगा। पर क्या हम प्रकाश की गति से ट्रैवल कर सकते हैं? वेल, नहीं। प्रकाश एक सेकंड में करीब 3 लाख मीटर की दूरी को तय कर लेता है, यानी प्रकाश की रफ्तार से हम हमारी पृथ्वी का 7 चक्कर काट लेंगे, वो भी महज 1 सेकंड में। आप समझ सकते हो कि ये कितना फास्ट होता है। बंदूक से निकली एक बुलेट की स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड की होती है। हमारा वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट 17,000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है। हमारी धरती सूरज के चारों ओर 29,800 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमती है, जो कि वाकई में काफ़ी तेज है। लेकिन हमने इससे भी ज़्यादा रफ्तार को हासिल किया है। मनुष्य द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे तेज ऑब्जेक्ट है हीलियस 2 सोलर प्रोब, जिसका अधिकतम गति था 70,220 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम इतनी तेज गति से भी ट्रैवल कर पाएँ, जो कि मानव द्वारा हासिल की गई अब तक की सबसे तेज गति है, तब पर भी हमें प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 19,000 साल का समय लगेगा। 19,000 साल, यानी लिटरली हमें से कोई भी अपने जीवन काल में वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन आप निराश मत होना।